लगाएं, अविनाश की मम्मी जी और बहन आ रही है, उनके लिए है, ढक के रख दे। मम्मी अविनाश जी जो कितने अच्छे हैं ना, हैंडसम भी है, डॉक्टर भी है, और अजनी दीदी के पति और मेरे जीजू की कैटेगरी में एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। अब बस अविनाश की बहन को अजनी पसंद आ जाए तो गल मुक के, और ऐसा रिश्ता ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ढूंढने से तो उनको अपनी अजनी जैसी लड़की भी नहीं मिलेगी। सच में मुझे तो बिंदु के ब्याह वाले दिन याद आ रहे, ऐसा लगता है कल परसों की बात। उसी की तरह अजनी भी घोंसले से फुर करके उड़ जाएगी। बीजी पुत्र, मैं जहां भी जाऊंगी ना, जहां भी रहूंगी, आप लोगों के दिए हुए सीखे और अपने इस घर को कभी नहीं भूलूंगी। बीजी की हमें कौन पूछता, तेनु क्यों पूछांगे, शुक्र मना गुरुद्वारे की सीढ़ियों से उठा के लेके आए घर में। बीजी ओ भाई क्या जोक शोक हो रहे हैं फैमिली में, मुझे भी बता दो। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते बुआ जी, कैसे हो भाभी? बस ठीक तो ठीक। हां जी दसो फिर क्या बात हो रही थी? अरे कुछ नहीं बुआ, शादी का टाइम चल रहा है तो सब अजनी दीदी को लेके थोड़े सेंटी हो गए, और ये मैडम फुल फुटेज ले रही है। आप आज नहीं जा रहे हो, टाइम है आपकी विदाई को। बीजी चुप कर तू। बुआ जी थैंक यू पुत्र जी। तो बीजी मैनू एक गल दसो, ये अविनाश की बहन का क्या नया स्यापा है? मतलब अगर उसने हमारी अजनी को रिजेक्ट कर दिया तो मैरिज कैंसिल? तो बताइए इतनी क्या जरूरी बात थी जो अचानक से बुलाया? एक्चुअली अजनी मेरी एक बहन जिसने अभी तक तुम्हें पसंद नहीं किया है, जब तक वो तुम्हें पसंद नहीं करती तब तक हमारी शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। चुप कर मर जानी, जब मुंह खोल दी ना पुट्ठा ही गल करेगी। अजनी को देख, अजनी तो हमारी राज करेगी, राज। देखना जिस भी घर जाएगी घर को महल बना देगी। सच्ची एकदम करेक्ट कहा आपने बीजी। अजनी दीदी प्लीज एक बात याद रखना, जब आप महल बनाओगे ना तो एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बना देना, तो जब हम सब आएंगे तो पूल पार्टी करेंगे, क्यों बीजी? हम लोग सारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ना गोते खाएंगे, स्विमिंग करेंगे सारे। ओ पाजी अब रे गांव के स्विमिंग पूल के आगे ना 5-star का स्विमिंग पूल भी फेल है। बाहर से ज्यादा ठंडी बियर ना अपने स्विमिंग पूल में रहती है। ओए वो सब तो ठीक है पर कुकु कितने? ओ पाजी वो आता कहाँ है इतने, पिछली बार जबरदस्ती आपने उसको डुबा दिया था, जब से घबरा गया वो। राजवीर पाजी, राजवीर पाजी। ओए चिल्ला क्यों रहे हो? राणा के बंदे कुकु पाजी को चक्के ले गए। ओ तेरी तो ओए शोकी होल्ड करो। ओए राणा ने मैनू ललकारा है, मैं अकेला ही जाऊंगा। पाओ दीदी कितने प्यारे लग रहे हो आप। फोन हाँ फोटो खींचेंगे। व्हाट अ टाइमिंग, जीजू का फोन है। हेलो अंजी, हो गई तैयारियां? मतलब वो लोग घर से निकल चुके हैं, 15-20 मिनट में पहुंचते ही होंगे। ओह ऑल द बेस्ट। क्यों होया? मम्मी वो अविनाश का फोन था, वो लोग 15-20 मिनट में आते ही होंगे। बस अब बस। राणा पाजी जब राजवीर मुझे मार रहा था तब बड़ी हंसी निकल रही थी इस कुकू की, अभी हंसा क्यों नहीं?
राजवीर। अच्छा लगा जानकर कि मेरे दुश्मन मुझसे इतनी आशिकी करते हैं। पाजी, राणा, जे मेरे दोस्त नू तूने खुद छोड़ दिया तो कुछ नहीं कहूंगा, भूल समझ के माफ कर दूंगा। कि ये काम मैंने खुद करना पड़ गया ना, तो रब दी सो, एक एक की छाती पर चढ़कर उसको छुड़वाऊंगा। जोश जोश में मेरे इलाके में आ गए तू, एक मिनट में मसक के रख दूंगा तुझे। तेरा इलाका, हाँ देख, तेरे इलाके में मेरा इतना खौफ है कि तेरी गोली भी मेरी जुत्ती के नीचे माथा टेकती है। का दिया था तुझे, लेकिन तेरे पल्ले बात नहीं पड़ी। आज के बाद ऐसी हरकत करने से पहले मेरा नाम याद कर लेना, राजवीर बग्गा, दैट्स ऑल। भाभी, हाँ, क्रोशिया वाला कितने है? हाँ जी दीदी, ओ मेरे अंदर नवा टेबल क्लॉथ लेके आ जा। मुझे क्या पता कहाँ रखा है? अरे तो भारत को फोन करके पूछना, उसी ने रखा था लास्ट टाइम। अरे मुझे पता है उसने कहाँ अलमारी में रखा है, मैं लेके आता हूँ। हाँ जी, आ गए। आ गए, अरे छेती करो, आ गए। चलो चलो, जैसा वैसा रहने दो। हाँ, आ गए आ गए। अरे रूम फ्रेश रहेगा, की कर रहे हो, दरवाजा खोलो। वो खुशबू तो आ रही है ना। अविनाश की बहन जी नहीं आई? आई है ना, ये रही मेरी बेटी गीत। आइए आइए। सिस्टर, तू नहीं, आप बोलो। हम लड़के वाले हैं, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट दी तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, सॉरी गीत जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? वैसे तो मैं सेवेंथ में हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज उससे ज्यादा है। ओ, दीदी, अरे दीदी जल्दी चलो, बाहर से बुला रहे हैं आपको। हाँ। जल्दी चलो। मेहर, अविनाश की बहन कैसी है वो? पूछो मत कैसी है, एकदम खड़ूस। बनना तो उसे आपकी ननद है, लेकिन नखरे तो ऐसे उसके जैसे कि एकदम टिपिकल टीवी सीरियल की सास हो। मुझे तो ना पहले से ही डाउट हो रहा था। क्या डाउट हो रहा था? यही
कि वो खड़ूस अविनाश जीजू की बहन आपकी शादी होने देगी या नहीं। सत श्री अकाल। अरे बस बस बेटा। और ये है अविनाश जीजू की सिस्टर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बैठिए। मैं लड़की की बहन गीत। जितना आपके भैया ने बताया था उससे कहीं ज्यादा क्यूट हो आप। क्यूट तो मैं हूँ, मेरी वीर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने तारीफ कर दी होगी। एनीवे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। आपको पास्ता बनाना आता है? हाँ। और केक? हाँ। और चिकन मटन? सॉरी टू डिस्टर्ब गीत जी, लेकिन हमारे घर में ना चिकन मटन नहीं बनता है, हम प्योर वेजिटेरियन हैं। और इनफैक्ट अजूनी दीदी तो वहाँ से सामान भी नहीं लेती जिसके बगल में ये चिकन मटन की दुकान हो। गुड, हमारे यहाँ भी नॉनवेज नहीं बनता, वो तो बस मैं क्रॉस चेक कर रही थी। एनीवे मुझे आपके बारे में थोड़ा और जानना है। आपका फेवरेट कलर? ब्लू। फेवरेट सॉन्ग? लुंगी डांस। लुंगी डांस। फेवरेट मूवी? रामलीला। फेवरेट हीरो? रणवीर सिंह। फेवरेट हीरोइन? दीपिका। फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? आप। इट्स ओके। मैंने सुना है आप गुरुद्वारा में कीर्तन गाती हैं। हाँ। तो मतलब आपको बड़े होके सिंगर बनना है? मुझे म्यूजिक पसंद है इसलिए सीख रही हूँ। और हाँ, अगर कल को बड़े होके मैं बड़ी सिंगर बन गई तो आपके लिए कभी भी गा दूंगी। वो पेंटिंग आपने बनाई है? नहीं, मेरे वीर जी ने। पर अगर आपको पसंद है तो आप रख सकती है। नो थैंक्स, लेकिन मुझे आपको कुछ देना है। इधर आओ। थोड़ा और इधर आओ। मेरी तरफ से हाँ है। इसी बात पे फैमिली सेल्फी हो जाए। वाहे गुरु जी की कृपा, सब अच्छा हो गया। अच्छा, हम सब बाहर चलें? आज की ट्रीट मेरी तरफ से। ठीक है। बीजी, अजुनी कितनी खुश लग रही है ना? रब करे उसे किसी की नजर ना लगे। बस घर के लिए निकल रहे हैं। वैसे तुम कब तक फ्री होगे? अरे अजुनी दीदी, आप चाट खाओगे? बस 2 मिनट आई। अरे छठ पर अपन लेते तो उसकी। पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था विनाश। अरे बाबा, मैं जानबूझकर एक छोटा सा टोटका कर रहा था ताकि हमें किसी की नजर न लगे। क्या विनाश, तुम भी ना? हो गया तुम्हारा टोटका? हमारे बीच में अब कभी कोई नहीं आ सकता।
अजूनी पुत्र एक काम कर बेटा, सारे काम छोड़, ये डायरी पेन पकड़ और एक विश लिस्ट बना अपनी। पापा मतलब? पुत्र मुझे तो लगता है कि मैंने अपने बाप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ईमानदारी से निभाई है, फिर भी कहीं कोई चूक रह गई हो, कोई भी कमी रह गई हो, वो सब लिख दे बेटा। तेरा ब्याह होने से पहले तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। लिख लिया बेटे, पढ़ के सुना। सबसे पहले मुझे आपके साथ ग्राउंड पे जाना है, वहां बिना गिरे बिना डरे साइकिल चलानी है और फिर खट्टी मीठी गोलियां खानी है। बीजी आपसे बालों में तेल लगवाना है और फिर ढेर सारी कहानियां भी सुननी। जी सदके पुत्र, जी सदके। बुआ जी, मम्मी, मुझे हर रोज आपके हाथ के श्रीलंकन पुलाव खाने, आप खिलाओगे ना? और तू, तुझसे तो बहुत झगड़ा करना है। जाने से पहले तुझे अपने कोई कपड़े नहीं पहनने दूंगी, ना ही अपना मेकअप शेयर करना है। और अगर मेरी ड्रेस पहनी ना तो बालों में च्युइंगम चिपका दूंगी। अब तो कुकू भी आ गया है, एक एक बियर हो जाए एकदम चिल्ड। हाँ। अब पाजी, अब कौन सा अलग अलग सा नशा करके आयो? दी, कहाँ से लगा के आई हो ये रंग? जो छूट ही नहीं रहा।